जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का एक शीर्ष अधिकारी बताकर केंद्र शासित प्रदेश में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठकें की। कमाल की बात यह है कि किसी को इस बात की भनक नहीं लगी कि वह एक ठग है। बता दें कि गुजरात का किरण भाई पटेल के रूप में पहचाने जाने वाले कथित ठग ने खुद को पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर के पद पर बताया था। खबरों के अनुसार किरण पटेल पिछले साल अक्टूबर से कश्मीर घाटी का दौरा कर रहा था और गिरफ्तार होने से पहले वह नियंत्रण रेखा के करीब उरी में कमान पोस्ट से होते हुए श्रीनगर के लाल चौक तक पहुंचा था। वहीं श्रीनगर के निसात पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक किरण पटेल इस पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र और कश्मीर घाटी के अन्य हिस्सों में गतिविधियों में शामिल था और पकड़े जाने से पहले वह सरकारी अतिथि का आनंद लिया। साथ ही उसे एक निजी सुरक्षा अधिकारी और एक लग्जरी होटल में कमरा भी दिया गया था। वहीं अब किरण पटेल पर भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।